महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने महाविकास आघाड़ी पर कड़ा हमला किया है। उनका कहना है कि महाविकास आघाड़ी विकास के एजेंडे पर नहीं बनी है, जबकि महायुति के पास विकास का ठोस एजेंडा है। इसके अलावा उन्होंने उम्मीदवारों के चयन, आगामी सूची और मराठा आरक्षण आंदोलन पर भी अपने विचार व्यक्त किए। चंद्रशेखर बावनकुए का कहना है कि जब महायुति के उम्मीदवारों के चेहरे सामने आएंगे तो जनता उन्हें ही चुनेगी, क्योंकि उनके पास विकास का एजेंडा है। उन्होंने नागपुर जिले की उमरेड सीट को पारंपरिक रूप से भाजपा की सीट बताया और कहा कि यह सीट भाजपा के पास ही रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि दूसरी और तीसरी सूची जल्द ही जारी की जाएगी। आज केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, केंद्रीय निवडणूक समिति ने 99 उमेदवार की याद जाहिर केली आहे आणि मला विश्वास आहे की आमचे दुसरी यादी, तिसरी यादी आणि आमचे जेवढे उमेदवार यादीमध्ये येतील किंवा ज्यांना उमेदवारी मिळेल त्या सर्व उमेदवार हे प्रचंड मताने, आमचे महायुतीचे उमेदवार प्रचंड मताने जिंकतील असा मला विश्वास आहे। मी सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि जिंकण्याच्याही शुभेच्छा देतो। बावनकुए ने आगे कहा कि महायुति का विकास का एजेंडा है और जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी और तीसरी सूची आएगी। उम्मीदवारों के चयन के बारे में उन्होंने कहा कि केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि जीत का गणित देखा जाता है, कभी संगठन की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जेव्हा मंजूर के लिए आमच्या सर्व नेत्यांनी आमचे जे उमेदवार आहे आम्ही जिंकण्याकरता लढतो आहे, आम्ही महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेच्या विकासाकरता आम्हाला सरकार पाहिजे आहे आणि मला विश्वास आहे की महाराष्ट्राची जनता आम्हाला मत देईल आणि डबल इंजिन सरकार, केंद्रातलं मोदीचं सरकार, राज्यातलं आमचं सरकार, हे दोन्ही सरकार म्हणून महाराष्ट्राचा विकास करेल असं मला वाटतं। तो ये थे चंद्रशेखर बावनकुए की बयान। अब देखना होगा की जनता किसे अपना समर्थन देती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।